नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली शर्मा। उत्तराखंड में आए दिन बढ़ रहे सड़क दुर्घटना और नशे को मद्देनजर रखते हुए नैनीताल पुलिस ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है, जिसमें नैनीताल पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर जाकर स्कूली बच्चों को इस बारे में जानकारी देते हुए जागरूक किया। बता दें कि नैनीताल के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट द्वारा जिले के कई थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र के स्कूलों के छात्र छात्राओं को नशे, यातायात, साइबर अपराधों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड पुलिस ऐप के बारे में बताया गया। वहीं इसी क्रम में मुक्तेश्वर के थाना अध्यक्ष महेश जोशी, बितालघाट के प्रभारी थाना अध्यक्ष रमेश पंत, बेलपड़ाव के चौकी प्रभारी भूपेंद्र सिंह मेहता, छोई के चौकी प्रभारी जोगा सिंह और सोमेंद्र सिंह थाना मुखानी के द्वारा 29 नवंबर को छात्राओं को जागरूक किया गया, जिसमें उत्तराखंड पुलिस ऐप के अंतर्गत गौरा शक्ति ऐप के संबंध में भी जागरूक करते हुए इसमें पंजीकरण कराने के लिए भी कहा। तो वहीं नाबालिग बच्चों को वाहन ना चलाने की भी सलाह दी। साथ ही उन्होंने अभिभावकों को भी स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग के माध्यम से इस संबंध में जागरूक करने के लिए कहा। साथ ही इन दिनों काफी तेजी से नशे की चपेट में आ रहे हैं युवा को देखते हुए भी नैनीताल पुलिस ने इससे बचने के साथ साथ रिहेब प्रक्रिया की भी जानकारी दी। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।